हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12000 वाले पांच सबसे बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा और ये पांचों के पांचों फोन्स इस टाइम पर 12000 के प्राइस सेगमेंट में सबसे अच्छे वाले स्मार्टफोन होंगे। और इन अच्छे वाले स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, 128GB का बड़ा स्टोरेज मिलेगा, 6000mAh की बड़ी बैटरी होगी एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। और इसी के साथ प्रोसेसर तो इन सभी स्मार्टफोन में पावरफुल होगा ही। एंड दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको किसी भी स्पेक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सभी फोन्स अपने आप में बिल्कुल जबरदस्त हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमने इन सभी फोन्स की रैंकिंग इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर की है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा सही होगा। चलिए अब बात करते हैं नंबर 5th वाले स्मार्टफोन की और फिर सबसे लास्ट में बात करेंगे नंबर 1 की। तो नंबर 5th पोजीशन पर आता है Realme Narzo 50A। एक ठोस कारण है इस स्मार्टफोन को लेने का और वो है इसका 128GB का बड़ा स्टोरेज जो 12,500 में मिल जाता है। तो ये तो थी इसकी स्टोरेज की बात, अब नजर करते हैं इसकी डिस्प्ले की तरफ। तो इस फोन में ओनली HD+ डिस्प्ले है, वो भी 6.5 इंचेस की एंड 60Hz का रिफ्रेश रेट और साथ में 120Hz का टच सैंपलिंग रेट है। डिस्प्ले नॉर्मल लेवल की है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा इसकी डिस्प्ले में नहीं है, ओनली सिंपल साधारण सी डिस्प्ले इस फोन के अंदर लगी है। अब नेक्स्ट नंबर है प्रोसेसर का। तो इस डिवाइस में MediaTek Helio G85 का चिपसेट लगा है जो प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है एंड डेली नॉर्मल यूजेस के लिए तो इसमें आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो इस फोन के कुछ फीचर्स की बात करें, इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस मिलेगा, सिक्योरिटी के लिए रियर फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक दोनों चीजें हैं। कैमरा इस फोन का डिसेंट है, बैक में 50MP का ट्रिपल कैमरा है और फ्रंट में 8MP की सेल्फी है। ओनली 1080p वीडियोस इसके बैक साइड वाले कैमरे से आप रिकॉर्ड कर पाओगे एंड कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन की ओके है। इसके अंदर बड़ा सा पावर हाउस है क्योंकि इसमें 6000mAh वाला बड़ा बैटरा लगा है एंड 18W का मैक्स चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। अब आते हैं इसके हाईलाइटेड पोर्शन पर। इसमें आपको 4GB की रैम और 128GB का बड़ा स्टोरेज मिलेगा, जिसके लिए आपको 11,800 रुपए देने पड़ेंगे। और ये फोन आपको 11,800 की कीमत में तब मिलेगा अगर आप कार्ड वगैरह अप्लाई करते हो, तब आप लोग इस स्मार्टफोन को अंडर 12,000 परचेज कर पाओगे। अब नेक्स्ट स्मार्टफोन पर आते हैं, यानी कि नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पर आता है माइक्रोमैक्स इन नोट 1। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन स्मार्टफोन लेना है 12,000 के बजट में, तो आपके पास ओनली वन ऑप्शन है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का, इसको आप परचेज कर सकते हो। इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD+ वाली डिस्प्ले मिलेगी। यहाँ पर फुल HD+ वाली डिस्प्ले है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, 60Hz का नॉर्मल रिफ्रेश रेट है, तो स्मूथनेस भी इसकी डिस्प्ले में आपको हल्की फुल्की मिल जाएगी। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। तो इस स्मार्टफोन के अंदर लगा है MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर जो दोनों चीजों के लिए काफी अच्छा माना जाता है और इस प्राइस में आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन से मिल जाएगी। अब बात करें इसके फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस मिलेगा, सिक्योरिटी के लिए बैक में फिंगरप्रिंट लॉक मिलेगा और इस स्मार्टफोन में गायरो सेंसर है। चलिए अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो इस स्मार्टफोन के बैक में 48MP का क्वाड कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको सेंटर वाली 16MP की सेल्फी मिलेगी। कैमरा इस स्मार्टफोन का डिसेंट है, मतलब ठीक ठाक सा कैमरा यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन के अंदर मिल जाता है, ज्यादा हाई कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन के अंदर आपको नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। चलिए अब बात करते हैं इसकी पावर के बारे में। तो इसमें 5000mAh की बैटरी लगी है जिसको चार्ज करने के लिए 18W का चार्जर आपको डिब्बे के अंदर ही मिल जाएगा और इसके 4GB रैम और 128GB के बड़े स्टोरेज के लिए आपको 11,990 रुपए देने पड़ेंगे। तो गाइस, दो बड़े कारण है इस स्मार्टफोन को लेने के। पहला, अगर आपको एक इंडियन स्मार्टफोन लेना है 12,000 के बजट में, और दूसरा, अगर आपको 128GB के बड़े स्टोरेज वाला स्मार्टफोन लेना है 12,000 के बजट में, तो दोनों कंडीशन में आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की। तो नंबर 3 पर आता है Redmi 10 Prime। इसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD+ वाली डिस्प्ले मिलेगी और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलेगा, तो स्मूथनेस इसकी डिस्प्ले में आपको अच्छी मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं प्रोसेसर की। तो इस फोन के अंदर लगा है MediaTek Helio G88 का प्रोसेसर और इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G85 से थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, मतलब कि ये स्मार्टफोन गेमिंग एज वेल एज डेली यूजेस दोनों के लिए काफी अच्छा रहेगा। इसमें डुअल स्टूडियो स्पीकर लगे हैं एंड यहाँ पर आप 2 SIM और एक अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। अब बात करें इसके कैमरा की, तो बैक में 50MP वाले 4 कैमरे लगे हैं, यानी कि 50MP का क्वाड कैमरा है और फ्रंट में 8MP की सेल्फी है। भाई, कैमरा इसका डिसेंट है, ज्यादा हाई क्वालिटी इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, बट हाँ, प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगी।
6000 mAh का बड़ा बैटरी लगा है जिसको चार्ज करने के लिए 22.5 वोल्ट का चार्जर इन द बॉक्स मिलेगा और इसके 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको 11,499 रुपए देने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं और ये फोन उनके लिए है जिन लोगों को चाइनीज फोन नहीं लेना प्लस डिस्प्ले भी उनको हाई क्वालिटी की चाहिए, तब आप लोग ले सकते हो सैमसंग गैलेक्सी F22 को। इसमें 6.4 इंच की HD+ वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगी है। भाई क्वालिटी इसी स्मार्टफोन में आपको काफी जबरदस्त मिलेगी। साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो स्मूथनेस भी इसकी डिस्प्ले में काफी अच्छी होगी और 12,000 के प्राइस में इसकी टक्कर की डिस्प्ले आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलेगी। इसमें लगा है मीडियाटेक हीलियो G80 का प्रोसेसर जो डेली यूजेज के लिए काफी अच्छा है और नॉर्मल गेमिंग इससे आप कर पाओगे। अगर प्रोसेसर थोड़ा और अच्छा होता तो ये स्मार्टफोन नंबर 1 पर होता। चलिए अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसमें आप 2 SIM और 1 LX मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा और इसी स्मार्टफोन के बैक में 48 MP का क्वाड कैमरा लगा है और फ्रंट में 13 MP की सेल्फी है। भाई कैमरा इसी स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छा मिलेगा। प्राइस और बाकी स्पेक्स को देखते हुए कैमरा क्वालिटी इसी स्मार्टफोन की काफी ठीक है। 6000 mAh का बड़ा बैटरी लगा है जिसको चार्ज करने के लिए 15 वोल्ट का छोटा सा चार्जर आपको डिब्बे के अंदर ही मिल जाएगा और इसके 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको डिस्काउंट लगाकर 12,349 रुपए देने पड़ेंगे। सो गाइस, अगर आपको लेना है एक बेस्ट नॉन चाइनीज स्मार्टफोन जिसमें डिस्प्ले हाई क्वालिटी की हो, तब आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। अब टाइम है नंबर 1 के बारे में बात करने का। तो नंबर 1 पर आता है इन्फिनिक्स नोट 11। ये हमारी इस लिस्ट में सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन है एंड ये इन्फिनिक्स का पहला सबसे सस्ता फोन है जो एमोलेड डिस्प्ले पर आता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल के टाइम पर इन्फिनिक्स नोट 11 इंडिया में सबसे सस्ता स्मार्टफोन है जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले पर आता है। इसमें 6.7 इंच की फुल HD+ वाली एमोलेड डिस्प्ले लगी है। साथ में 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। तो भाई डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में आपको काफी जबरदस्त मिलेगी। इस स्मार्टफोन के अंदर मीडियाटेक हीलियो G88 का प्रोसेसर लगा है जिससे आप गेमिंग भी काफी अच्छी कर पाओगे और डेली यूजेस के लिए तो ये स्मार्टफोन काफी कमाल का रहेगा। यहाँ पर आप 2 SIM और 1 LX मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा और इस स्मार्टफोन के बैक में 50 MP का ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट में 16 MP की सेल्फी है। कैमरा इस स्मार्टफोन का डिसेंट है पर इसके बैक कैमरे से आप 2K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो जो काफी अच्छी बात है। इसमें 5000 mAh की बैटरी लगी है जिसको चार्ज करने के लिए 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर आपको डिब्बे के अंदर ही मिल जाएगा और भाई बड़ा चार्जर है तो गेमर्स के लिए काफी अच्छी बात है। इसके 4/64 के लिए आपको डिस्काउंट लगाकर 11,399 रुपए देने पड़ेंगे और भाई 11,400 की रेंज में इसकी टक्कर का स्मार्टफोन अभी के टाइम पर आपको नहीं मिलेगा। तो गाइस ये थे 12,000 वाले 5 सबसे जबरदस्त स्मार्टफोन जो आपको हर फील्ड के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस का मजा देंगे। एंड अगर मुझे इन 5ों में से कोई एक स्मार्टफोन परचेज करना होता तो मैं परचेज करता इन्फिनिक्स नोट 11 को। अब आप लोग इनमें से किस स्मार्टफोन को परचेज करने वाले हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं कि कौन सा स्मार्टफोन किस यूजर के लिए बेस्ट रहेगा, ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है। अगर अब भी आप लोगों का कोई डाउट है किसी भी स्मार्टफोन को लेकर तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के जय हिंद वंदे मातरम।